नोमान, इतनी बड़ी बात होती नहीं है जितनी आप टेंशन ले लेते हैं। कह दो मम्मी से कि उसका जिक्र ना किया करें मेरे सामने। माँ है ना, वो समझती हैं कि इस सारे मामले में सोमिया का कोई कसूर नहीं है। उससे बात किए बगैर, उसका जिक्र किए बगैर वो नहीं रह सकती। हाँ तो तुम करा दिया करो ना बात, लेकिन मेरे सामने उसका जिक्र मत किया करो। नमान, यही तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि सोमिया इस घर की बेटी है, गैरों में शादी होकर गई है। हम उसकी तरफ से आंखें बंद नहीं कर सकते। उसने हमसे रिश्ता तोड़ दिया है तो क्या, हमें तो उसका ख्याल रखना पड़ेगा ना। किस मट्टी की बनी हो तुम? तुम पे बहुतान लगाती रही, तुम्हारी बेइज्जती करती रही, तुम अब भी उसी के बारे में सोच रही हो। वो जो भी करे, लेकिन मेरा दिल दुखता है उसके लिए। और फिर जब मुमानी रोती है तो मुझे और भी ज्यादा अफसोस होता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती। ऊपर से आप गुस्से में इतना कुछ कहकर आ गए। हम जिस तरह गुस्से में ये बात बोलकर आए कि अगर सोमिया के लिए इस घर के दरवाजे खुले तो मैं भी इस घर से चला जाऊंगा। आपको पता है कि आपने मुझे कितनी बड़ी सजा दी। मैं कहीं नहीं जाऊं। क्या हो गया तुम्हें? तो फिर आप नीचे जाएं और जाकर मुमानी को तसल्ली दें। मेरी एक बात कान खोल के सुन ले आप, अगर वो इस घर में आएगी ना तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा। अगर मेरी बात किसी के लिए कोई अहमियत ही नहीं रखती तो मैं इस घर में रह के करूंगा क्या? सॉरी अम्मी, गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया मैंने। तुमने वही बोला जो तुम्हारे दिल में था। मैंने राहिला से कह दिया है कि आपकी बात करा दिया करे सोमिया से। आप एहसान करने का बहुत शुक्रिया। क्यों शर्मिंदा कर रही हैं आप मुझे? क्या गलत सोच रहा हूं? मैं तो बस यही चाहता हूं कि उसे याद आए, एहसास हो कितने प्यार करने वाले रिश्ते छोड़ के गई है। एक ना एक दिन तो उसे जरूर याद आएगी कितना एतमाद था बाबा को उस पर। कभी ना कभी तो एहसास होगा कितने लाड और प्यार से पाला है आपने उसे, कि उसका भाई उसकी हर ख्वाहिश उसकी जबान पे आने के पहले पूरी कर देता था, उसकी भाभी उसकी हर गलतियां छिपा लिया करती। माँ के वास्ते बस कर दो, इतनी बेहसी बहन के लिए इतनी बदगुमानी। अल्लाह ना करे क्या उसे ये सारे रिश्ते याद है जिसने सिर्फ और सिर्फ उसे आंसू दिए। मैं अल्लाह से दुआ कर रही हूं कि वो अदन की मोहब्बत में इतनी खो जाए कि हम सबको भूल जाए। हमें याद करके उसे क्या मिलेगा, सिर्फ दुख, सिर्फ आंसू। हम उसके काबिल नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं कि आप बात दिल से नहीं कह रही, लेकिन ठीक है, आप फिर भी उसे कह सकती हैं कि वो आपसे मिलने आ सकती है, लेकिन मेरी गैर मौजूदगी में, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा बर्दाश्त मुझसे।